बोले प्रवर श्रोता हैं चार प्रकार के। पहला है चातक। चातक श्रोता, आप सबने चातक पक्षी का नाम सुना है। चातक पक्षी कभी बिस्लेरी का पानी नहीं पीता है, अर्थात चातक पक्षी कभी जमीन से पानी भर के नहीं पीता, ना आरओ से पानी पीता। चातक पक्षी का एक व्रत है कि जब बारिश का पानी आएगा तभी मैं पानी पीऊंगा, उसके अलावा प्यासा रहता है। सिर्फ बादल से बरसने वाले जल को ही मैं ग्रहण करूंगा। इसी प्रकार से ऐसा श्रोता जो सिर्फ समस्त कथा के अंदर, समस्त श्रुति के अंदर सिर्फ श्री कृष्ण का दर्शन करता है, श्री कृष्ण से अलग कुछ नहीं, समस्त श्लोकों में श्री कृष्ण के दर्शन करता है, उसको कहते हैं चातक श्रोता, और ये उच्च श्रेणी का श्रोता है, प्रवर श्रोता। दूसरा श्रोता कौन है? बोले दूसरा श्रोता है हंस श्रोता। हंस की एक विशेषता होती है, हंस के अंदर एक क्षमता है कि कितना ही बेईमान दूध वाला हो, उस दूध वाले के दूध को लाके पात्र में हंस के सामने रख दो तो दूध का दूध पी जाएगा और पानी पानी वहीं छोड़ देगा। अद्भुत, एक पक्षी के अंदर सामान्यतः पानी के अंदर ये गुण होता है कि पानी को जिसमें मिला दो पानी उसी का स्वरूप धारण कर लेता, लेकिन हंस के अंदर ये क्षमता है कि पानी पानी को छोड़ के और दूध दूध को पी जाता था। नीर क्षीर विवेक ये हंस के अंदर होता है। इसी प्रकार से ऐसे श्रोता जो सारग्राही होते हैं, जो सारग्राही होते हैं उनको कहते हैं हंस श्रोता। उस कथा का जो मर्म है उसको ग्रहण कर लें। पंडित जी एक कथा सुनाते थे, एक मैया आती थी प्रवचन में बैठती थी और खूब रोती थी। पंडित जी को लगे कि वाह, मैया को बड़े भाव की प्राप्ति हो गई है, इतना कथा सुन रही है, भगवान के बिछोह में इसकी आंखों से तो आंसू गिरे जा रहे हैं, इतना प्रेम तो लगता हमें भी नहीं है कि कथा कह कह के हमारे आंसू नहीं आ रहे हैं। तो पंडित जी ने कथा खत्म होने के बाद पूछ लिया, मैया क्या अच्छा लगा तुम्हें कथा में? बोले क्या बताएं पंडित जी, हमारा एक बकरा था और उस बकरे की मृत्यु हो गई, और हमारे बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आपकी दाढ़ी के जैसी है, जैसी आपकी दाढ़ी है सुंदर सुंदर, ऐसी हमारे बकरे की भी दाढ़ी, और जब मैं आपको ये कथा कहते हुए सुनती हूँ तो हमें अपने बकरे की याद आ जाती है, और उस बकरे के बिछोह में मैं रोती हूँ। तब कथा सुन रही है भगवान की और रो रही है किसके बिछोड़ने में? बकरे के बिछोड़ने में। सारग्राही, कथा का जो सार है, जो तत्व है उसका, उसको जो ग्रहण कर ले वो हंस श्रोता। तीसरा है शुक श्रोता। तोते का ऐसा स्वभाव होता है जो बोलो मिट्टू दूध रोटी चित्रकूटी वो बोलेगा, हरे कृष्णा बोलेगा मिट्टू। तोते का ऐसा स्वभाव है कि जो सुनता है वो बोलता है। तो इसी प्रकार से ऐसा श्रोता जो इस हॉल से कथा सुन के जाएगा और बाहर प्रवचन सुनाएगा दूसरे को, और कल और भी लोगों को लेके आएगा, चलो चलो प्रवचन हो रहा है, चलो हरी कथा सुनने, इस प्रकार के श्रोता को कहते हैं सुख श्रोता। सुनता है और सुनाता है, किस लिए? कि इस ग्रंथ के जो आदि रचयिता हैं, आदि वक्ता हैं, भगवान स्वयं व्यासदेव, उनको इससे आनंद प्राप्त होगा, उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी, इस भाव से दूसरे को सुनाता, उसको कहते हैं सुख श्रोता। और अगला होता है उच्च श्रेणी का श्रोता, उसको कहते हैं मीन श्रोता। क्षीर सागर में जहाँ भगवान लेटे रहते हैं वहाँ जो मछली होती है अपलक बिना पलकों को झपकाए उस दुग्ध का पान करती है, क्षीर सागर। इसी प्रकार से ऐसा श्रोता मुंह से एक शब्द निकाले बिना, कोई मुंह से शब्द नहीं निकल, अपलक सिर्फ कृष्ण कथा में डूबा हुआ है और कथा रस का पान कर रहा है, उसको कहते हैं मीन श्रोता।